दिल्ली के मेहरौली इलाके में दिल्ली विकास प्राधिकरण की कार्रवाई के विरोध में लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। डीडीए की कार्रवाई के तीसरे दिन रविवार को पुरुषों के साथ साथ सड़कों पर उतरकर महिलाएं भी इस कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन कर रही थी। खबरों की माने तो मेहरौली में चल रहे इस विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें नजर आ रहा है कि कई महिलाएं सड़क पर बैठी हुई हैं। मेहरौली में डीडीए अतिक्रमण को हटाने का अभियान चला रहा है, जिसके बाद लोग नाराज हो गए हैं। लोगों की नाराजगी को देखते हुए वहां पुलिस बस की भी तैनाती की गई है। तस्वीरों में वहां कुछ पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए किसी तरह का लाठीचार्ज नहीं किया गया, कोई जख्मी नहीं हुआ है। स्थानीय लोग डीडीए अधिकारियों और पुलिस को उनका काम करने से रोक रहे थे। कुछ महिलाओं ने पुलिस पर मिर्ची पाउडर फेंका। इस संबंध में जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि डीडीए मेहरौली की सड़कों पर बने अवैध निर्माण पर अपना बुलडोजर चला रही है। मेहरौली इलाके में डीडीए की इस कार्रवाई को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। मेहरौली पुरातत्व पार्क इलाके में जब डीडीए ने पुलिस सुरक्षा के बीच शुक्रवार और शनिवार को अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया, तब भी कई लोगों ने इसका विरोध किया था। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए इस पर दिल्ली सरकार ने हस्तक्षेप किया। दिल्ली सरकार ने तुरंत डीडीए को तोड़फोड़ बंद करने के लिए कहा था। दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने विवादित क्षेत्र में नए सिरे से सीमा को चिन्हित किए जाने के आदेश दिए थे। मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती और मेहरौली से विधायक नरेश यादव ने केंद्र और भाजपा सरकार पर निशाना साधा था। डीडीए के अधिकारियों ने शनिवार को बताया था कि पुरातत्व पार्क क्षेत्र में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान लगभग 1200 वर्ग मीटर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया था। बीते शुक्रवार से दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान को देखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई और स्थानीय लोग लगातार इस अभियान का विरोध कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि G20 की बैठक को देखते हुए डीडीए ने यह अभियान चलाया। ये भी जानकारी सामने आई है कि डीडीए ने 9 मार्च तक अतिक्रमण हटाओ अभियान को जारी रखने की बात कही है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।